शब्दों की आड़ लेकर मैंने जब भी अर्थों का दुखांत ओझल किया है, बहुत पछताया हूं। मैंने जिस धरती पर खड़े होकर धरती के संगीत की सौगंध खाई थी, उस पर कितनी बार फिसल कर गिर गया हूं। मुझे सूख गए वृक्षों का श्राप मिला है और मैंने बार बार सूली और बहिष्यत को दो सोतने माना है, जिन्हें एक ही पलंग पर गर्भवती बनाते मेरा बदन सिमटता जाता है। लेकिन मेरा आकार और निखरता है, ठीक मेरी कलम कोई रंगसाज की कढ़ाई नहीं है। मैं तो सड़कों पर चलता हुआ इतना बिखर गया हूं कि मेरे अपाहिज जिस्म को याद भी नहीं आता कि मेरा कौन सा अंग वियतनाम में और कौन सा अफ्रीका के किसी मरुस्थल में छूट गया है। मैं दिल्ली के किसी कॉफी हाउस में बैठा हूं या फिर आंध्रा के जंगलों में। बार बार बीतते पलों के साथ मैं अपने अस्तित्व को छूता हूं। मेरी 6 कविताओं की मां पिछले इतवार मेरी ही परछाई के साथ भाग गई है और मैं आवाजें पकड़ने की कोशिश में कितना दूर निकल आया हूं। मेरे नक्श पचांग की गुजरी तारीखें बनकर रह गए हैं। बारी बारी में नेपोलियन, चंगेज खान और सिकंदर मेरे में से गुजर गए हैं। अशोक और गौतम बेबाक देख रहे हैं बेपर्द पत्थर का सोमनाथ, जो मैं एवरेस्ट पर खड़ा होकर देखता हूं। तिड़का हुआ ताजमहल, पीतल का हरि मंदिर और अजंता खंडर खंडर, और मैं सोचता हूं कुतुब मीनार की पांव मंजिलें जो बाकी हैं क्या आत्महत्या के लिए काफी हैं। लेकिन आखिर मुझे मानना होता है कि जिस समय मैंने जुपिटर के बेटे और अरस्तु के शिष्य से धूप छोड़कर खड़ा होने के लिए कहा था, तो मेरी कमर में सिर्फ जांघिया था, इसलिए मैंने अब खूबसूरत पैर झुलसा दिए हैं और कलम संगीन बनाकर जेल की दीवारों पर लिखना चाहता हूं और यह सिद्ध करने में व्यस्त हूं कि मैं क्षितिज के पार भी पहाड़ होते हैं, जिनके ढलानों पर किरणें भी कलमें भी जड़ी जा सकती हैं। पाश